नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीसैट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल पर कुछ प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। पार्ट वन हम अभी डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न इसमें होंगे, 30-30 प्रश्न करके 4 से 5 पार्ट आएंगे, जिसमें पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न, कुछ नए प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। और इन्हीं को करने के बाद में आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली ऐसे आए या ना आए, आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। पासिंग मार्क्स केवल लाने हैं हिंदी, अंग्रेजी और साथ में मैथ्स रीजनिंग और ये वाला पोर्शन जिसमें से 25-30 क्वेश्चन आते हैं। आराम से आप 5-5, 7-7 क्वेश्चन हर जगह करके अपने 40-45 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। आपको अच्छा लगेगा तो इसको लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगने पर ही इसको लाइक कीजिएगा। और अगर आप ऐसे टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी ऐसे टेस्ट हैं, आप दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन बॉक्स में दिया है। पहला प्रश्न है, नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने के परिणाम स्वरूप उद्भव हुआ, किस चीज का उद्भव हुआ। ये प्रश्न थोड़े से अटपटे होते हैं, ज्यादातर आंसर आपको रटने पड़ेंगे। जहां पर समझने वाला होगा वहां पर मैं समझा दूंगा, नहीं तो बहुत देर तक समझाना भी कोई बहुत आप कह सकते हैं कि होशियारी की बात नहीं है, बहुत बुद्धिमानी उसमें नहीं है। नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम को जिसमें दृष्टिकोण से देखने के परिणाम स्वरूप जिसका उद्भव हुआ है, तो उसको हम स्थितिजन्य सिद्धांत कहते हैं। स्थितिजन्य सिद्धांत में क्या है, नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत की एक प्रतिक्रिया के रूप में इसको देखा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति वास्तव में जब एक लीडर के रूप में व्यवहार करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण उस स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वह कार्य कर रहा है। नेता कब, जिस स्थिति में वो है। तो यहां पर सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थिति जन्य सिद्धांत, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिचुएशनल थ्योरी है ये, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहां पर और ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। एक दल के नेता के रूप में आपको एक साथ 50 लोगों के साथ संवाद कायम करना पड़ता है। आप नेता हैं और 50 लोग हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है 50 लोगों को। तो अभिप्रेरण के अभाव में कामगारों की कार्य कुशलता प्रभावित हो रही है। अपने कामगारों से सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन का पाने का सर्वोत्तम विकल्प क्या हो सकता है, कार्य प्रदर्शन पाने का, यानी कि वो बेस्ट परफॉर्म करें जो आपके वर्कर हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्म वो कब करेंगे, जब उनकी कार्य कुशलता को आप समझेंगे, एफिशिएंसी उनकी क्या है और उनकी वीकनेस जो है, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको समझेंगे और उसको दूर दूर करने का प्रयास करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, तभी यह हो सकता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की समस्या नहीं है। संप्रेषण की समस्या नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि 3 इसमें संप्रेषण की समस्या है। जैसे संप्रेषण की समस्याओं की जब बात आती है तो उसमें पद सोपान की बाधा, हायरार्किकल जो बैरियर होता है, तो हायरार्किकल जो बैरियर होता है वो एक कम्युनिकेशन की समस्या होती है। भाषा संबंधी कठिनाई, मान लीजिए कोई इटालियन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या यहीं पे आप उड़िया भाषा में, आप उड़िया नहीं आती है कोई बात कह रहा है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो भाषा। और वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई भी होती है। अगला दिया हुआ है फाइंड इंटरेस्ट, रुचि का पाया जाना। अगर किसी भी चीज में आप रुचि ले रहे हैं तो ये बाधा नहीं है, ये समस्या नहीं है, वो तो और सकारात्मक बात हो जाएगी, तो ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन का अभाव भी कई बार संप्रेषण की समस्या होती है। कई बार जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं वो नहीं पाए जाएंगे तो उसमें भी आप बात नहीं समझ पाएंगे। कई बार संगठन का आकार जो है वो भी संप्रेषण के बाधा के तौर पर काम करता है। बात समझ में आ रही है। वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई तो इसमें दी हुई है, ये भी होती है। सैद्धांतिक बाधाएं कई बार आती हैं किसी सिद्धांत के बारे में या किसी भी संगठन के बारे में, उतना आप नहीं जानते हैं और वो आपसे बात की जा रही है उसके बारे में तो आप नहीं जान पाएंगे। प्रौद्योगिकी आधारित संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं है, कहां पर, यानी टेक्निकल जो चीजें होती है, कम्युनिकेशन होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है उसका कहां पर कोई अर्थ नहीं है। मेगा सिटी में आप इसका उपयोग देख सकते हैं, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देख सकते हैं, हाईटेक सिटीज में देख सकते हैं। गांव में संप्रेषण में प्रौद्योगिकी का उतना, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कहेंगे कि जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन भी तो प्रौद्योगिकी आधारित है, बिल्कुल है,
लेकिन अपेक्षाकृत आप देखिए तो गांव में कम है, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन अब समय के साथ ये चीजें परिवर्तित हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक सूचना देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? मान लीजिए कि कोई निगेटिव बात आपको बतानी है, मान लीजिए कि किसी दोस्त को आपको रिजल्ट बताना है जो सकारात्मक नहीं है, किसी को कोई बैड न्यूज देनी है, निगेटिव इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, पुकारेंगे, ए देखो तुम फेल हो गए, ऐसे कहेंगे? अरे जो फेल हुआ है उसको तो जो घाव है वो है ही है, आप ऐसे बोलेंगे तो और समझ लीजिए कि आपने मिर्च मसाला डाल दिया उसमें, समझ रहे हैं? शाब्दिक रूप में आप ऐसा नहीं कहेंगे, लिखित रूप में भी आप नहीं देंगे, कोई बहुत अच्छे पल नहीं है, अच्छे पलों को लिख के आप शेयर करते हैं, पढ़कर भी आप नहीं बताएंगे, आप सिंपल सा ईमेल कर दीजिए, ईमेल आप लिखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक भाषा में लिखना पड़ेगा, टाइप कर देंगे, भेज देंगे, वो जान भी जाएगा और आपका भी बताना भी, जो बताने वाला काम है वो भी हो जाएगा। किसी व्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक दक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरपर्सनल स्किल है इन ए पर्सन टू वर्क विथ अदर्स, दूसरों के साथ कार्य करने की, वो क्या होनी चाहिए, वो क्या है? योग्यता है, सुगमता है, स्थिति है, शक्ति है, मतलब क्वालिफिकेशन है या क्या है? कई बार इसका विरोध होता रहता है कि जो आप सुनते रहते होंगे कि कई बार आप कहते हैं कि ये उस योग्य नहीं था लेकिन उस पद पे है, कई बार आप ऐसे सुनते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो दूसरों के साथ कार्य करने की, इसमें कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्वालिफिकेशन, जो योग्यता है, बाकी सुगमता, इजीनेस, इवेंट, शक्ति, ये सारी चीजें। आप बहुत ताकतवर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन, अगर योग्य है आप, हर तरीके से योग्यता की बात हो रही है। सूचना पद्धति के प्रकरण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिफर्स टू। तो ये किस पे निर्णय लेना किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है इंट्रा डिसीजन मेकिंग को, अंतरदर्शी निर्णय लेने को ये करता है। सूचना पद्धति के प्रकरण के लिए व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय जो लिया जाता है उसको अंतरदर्शी निर्णय कहते हैं, वो उसको संदर्भित कर रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चीजों को जहां तक मैं समझा पा रहा हूं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो आंसर आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तदनुभूतिपूर्वक श्रवण की विशेषता नहीं है? करेस्ट्रेक्टिक ऑफ सेंसरी हेयरिंग, यानी कि आप तदनुभूतिपरक श्रवण कर रहे हैं, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी नहीं है, है की बात नहीं हो रही है, कौन सी नहीं है? वक्ता की स्थिति में स्वयं को देखना, पुट योर सेल्फ इन पोजिशन ऑफ स्पीकर, आपने स्पीकर की जगह खुद को रखा, आप समझ पाएंगे चीजों को। दूसरा है मूल्यांकन परक होना, आप चीजों को जब मूल्यांकित करने लगते हैं तो आप सही से सुनते नहीं है, आप तो जैसे यही क्लास है, आप ये सोचने लगे कि कैसे गलती निकालनी है, तो आप चीजों को आप उतने बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान है मेरी गलती निकालने में। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें एक दो मैं कुछ गलत टिक कर देता हूँ, कभी कभी मुझसे होता है कि मैं सी ऑप्शन बोल रहा हूँ और बी पे टिक हो जाता है, हो जाता है कभी कभी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इसको, लेकिन ध्यान 98 जो सही है उस पे होना चाहिए, 98 जो सही है उस पे, दो वो हम सही कर सकते हैं। आपने मैसेज कर दिया, किसी ने मैसेज कर दिया, तो मैं अगले वीडियो में या उसी में पिनपोस्ट कर देता हूँ, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। यहां पर मूल्यांकन परक होना ये सही नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देह भाषा का प्रेक्षण करना, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, सही है, आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ रहे हैं, बातें और समझ में आएंगी। फोकसिंग ऑन द बोथ द कंटेंट एंड फीलिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन, केवल कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भावनाओं को भी समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, लेकिन मूल्यांकन परक होना ये सही नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के दोनों पक्षों में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है? जहां पर आप देख रहे हैं एग्रीमेंट है, जहां पे एग्री है लोग, ठीक है, तो और डिसएग्रीमेंट दोनों को आप देख लीजिए, सहमति और असहमति, तो सहमति असहमति कैसे खत्म होगी? जब दो लोगों के बीच में समझौता हो जाएगा, जहां पे सहमति है उसको देखिए,
असहमति है उसको हटाइए, दो लोगों में लड़ाई हो रही है किसी मुद्दे पे, तो बहुत सारी उसके में अच्छाइयां भी होंगी। आप एक ही मुद्दे को लेके बार बार उसको यही सुनाते रहते हैं कि हाँ बस ये है, लेकिन 99 अच्छाइयां हैं, वही बात उस पर ध्यान दीजिए। एक जो बुराई है, ऐसे में उसके साथ भी उसके पास भी 2-3 बुराई हो सकती हैं, 98-97 अच्छाइयां हो सकती हैं, कुछ भी आप कर लीजिए, यहाँ नंबर का मतलब नहीं है। तो इसको जहां पर ये बुराई है, इसको असहमति है, असहमति वाले क्षेत्रों को आपको क्या करना पड़ेगा, उपेक्षित करना पड़ेगा। और जो ये ठीक है, दोनों लोगों में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ दोनों लोग एक तरह सोचते हैं, तो समझौता इसको बोलते हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? दूसरे के साथ संबद्ध भी यहां पे करिए तो ज्यादा सही है, संबद्ध, दूसरे के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है, तो यह है सम्मिलित होने की आवश्यकता, सम्मिलित होने की आवश्यकता, दूसरों के साथ संबंधित या संबद्ध होने की आवश्यकता, नीड टू ज्वाइन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं, और दूसरा है ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अंतरवैयक्तिक जो भूमिकाएं हैं वो व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर, सीधी से तो बात है, अंतरवैयक्तिक व्यवहार की बात कर रहा है, अंतरवैयक्तिक भूमिकाओं की बात कर रहा है और ये संबंध की बात कर रहा है, तो ये तो सही है। और ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड स्टेटस, अंग्रेजी देख लिया कीजिए, ऐसी जो भूमिकाएं होती हैं, अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं कब आप कर पाएंगे, जब आपके पास कुछ अथॉरिटी होगी, जो आपका स्टेटस होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो होंगी। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी ये सही से व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्ट भी कर रहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अधिकार और संस्कृति अथॉरिटी एंड स्टेटस पर ये निर्भर करती है, उससे रिलेटेड होती है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? Which of the following reasons is expressed by the positive personality of bending forward? आगे झुकने की जो धनात्मक अभिव्यक्ति है, आगे झुकने की, उसको व्यक्त करता है, किसके द्वारा व्यक्त करता है, किया जाता है, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, ए ऑप्शन, धनात्मक व्यक्तिक संकेत एकाग्रता को व्यक्त करता है। आगे आप झुक के किसी जैसे कोई कोई बात बोल रहा है, कोई चीज हो रही है, कोई घटना घट रही है, क्लास चल रही है, तो आप धनात्मक व्यक्तित्व के द्वारा क्या करेंगे, एकाग्रता के द्वारा, आगे झुक के, धनात्मक आगे झुक के। अब ऐसे आप बैठ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो वो लग रहा है ना कि कुछ मामला गड़बड़ है, इसका रुचि नहीं है, बहुत आप रुचि ले रहे हैं, है ना, धनात्मक व्यक्तित्व है ये, आगे झुकने का जो व्यक्तित्व है, तो ये क्या है, एकाग्रता दिखाता है, कंसंट्रेशन दिखाता है, जो अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में क्षमता बनाए रखे, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे। दोज हु मेंटेन कैपेसिटी इन शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है इंटरप्ट रेक्टिफायर, व्यवधान सुधारक, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अल्पकालिक समायोजन और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में जो क्षमता बनाए रखता है उसको व्यवधान सुधारक कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरवैयक्तिक भूमिका नहीं है, अंतरवैयक्तिक भूमिका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिविजुअल रोल, है ना, कौन सा नहीं है, तो ये मौलिक या बॉस, मौलिक या बॉस, बॉस, मालिक या बॉस, ये जो है अंतरवैयक्तिक संचार से क्या मतलब होता है, दो व्यक्तियों के बीच में जब आप विचारों का, भावनाओं का, या कोई भी फैक्ट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका आदान प्रदान करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, आमने सामने एक दूसरे से सूचनाएं शेयर करते हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क इसमें होता है, अंतरवैयक्तिक संचार दो तरफा, टू वेज होता है। और ये कभी भी, जैसे कैसे हो सकता है, ये आप उसमें साइंस का यूज कर सकते हैं, वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, साउंड्स का यूज कर सकते हैं, ध्वनि संगीत चित्र का यूज कर सकते हैं, इसमें तुरंत फीडबैक भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें फीडबैक भी तुरंत मिलता है, जो डायरेक्ट आमने सामने बैठ के प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है, किसी भी विषय पर अपनी बात कहना जब संचारक शुरू करता है तो वैसे ही फीडबैक भी उसको मिलने लगता है। और अंतरवैयक्तिक संचार का उदाहरण, जैसे मासूम बच्चा है,
जो बाल्यावस्था से जैसे जैसे बाहर निकलता है वैसे वैसे धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है और अंतर्वैयक्तिक संचार को अपनाने लगता है। लेकिन मालिक या बॉस का जो ये भूमिका है उसकी, वो अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं होती है। ये मालिक जो है मालिक है, बॉस जो है बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कहा जाता है ना। अब हो राइट या ना हो उसको माना जाता है। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को कैसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में, हेरिस्टिक्स के रूप में इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं। निर्णय लेने की विशेषता नहीं है, अब वर्धित विविधता प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं और उसमें कई व्यू आ जाए, डायवर्सिटी हो उसमें, अच्छी बात है, और ये बढ़ जाए डायवर्सिटी, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़े, वर्धित स्वीकृति भी हो जाए, जो भी बातें कही जा रहे हैं उसको स्वीकार किया जाएगा, तभी तो निर्णय पे आप पहुंचेंगे। सदस्य कार्य कुशल होते हैं। अब कार्य कुशलता का स्किल्ड का यहाँ पे कोई मतलब, स्किल का कोई मतलब नहीं, स्किल्ड होना कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। और सदस्य प्रभावकारी होते हैं, मेंबर्स आर इफेक्टिव। अब कोई इफेक्टिव नहीं होगा तो पता चला जो इफेक्टिव होगा वो उसकी बात मानी जाएगी, तो इफेक्टिव होना भी जरूरी। तो सी ऑप्शन इसका, ये विशेषता नहीं होगी समूह निर्णय में। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो, उसको मतलब बहुत लिटिल नॉलेज हो, बहुत कम नॉलेज हो, बहुत कम जानता हो, और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? और निर्णय क्या करना है, उसमें ऑप्शंस क्या है, क्या क्या निर्णय हो सकता है, ये भी अस्पष्ट हो, तो ऐसी ही स्थिति को हम कहते हैं डाउटफुल कंडीशन। जैसे कहते हैं ना, मतलब बहुत खराब स्थिति ऐसी होगी, मैं कुछ तो निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। जैसे कई बार होता है जब 10+2 के बाद में आप सोचते हैं तब IIT की तैयारी करें या मेडिकल में जाएं, इस तरीके की बातें आती हैं। IIT के लिए तो खैर अब 11th से क्या 9th से ही तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार आता है इंजीनियरिंग कर लूं या फिर आर्ट्स लूं, या कई चीजें होती हैं, या BSc करके फिर तैयारी करना है या मेडिकल की तैयारी करना है, इस तरीके की। जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो यह संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? जैसे कोई एक निष्कर्ष है, अब उसको अव्यक्त या व्यक्त रूप से संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये आगे ऐसा ही होगा। संभाव्यता कथन का मतलब आगे ये संभव है, संभाव्य है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समझने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग इसको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसको संदर्भित करता है? आगमनात्मक तर्कणा को, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर क्या करते हैं, अधिक व्यापक कथन निर्गत किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उसी को इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन भी इसका नाम होता है कहते हैं। जैसे प्रेक्षण है, प्रेक्षणों से जो भी तथ्य निकले उन तथ्यों को जोड़ा गया, उन तथ्यों के आधार पर यह कहा गया कि संभाव्य निर्णय क्या होगा, तो वो आगमनात्मक है ना, आगमनात्मक होगा। अगला जो प्रश्न है, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों जैसे सुनिश्चित ढंग से जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, ये इसका उदाहरण है, से प्रभावित होते हैं, ये गोचर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड क्या, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, ये जो ट्रांजिट है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बहुत सारे निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं, तो इसको गढ़न के रूप में जाना जाता है ना। इसको किस रूप में, गढ़न के रूप में जाना जाता है। ये कुछ गढ़न, प्रत्याशित पश्चाताप नहीं कहेंगे, वैयक्तिक पुष्टिकरण भी नहीं कहेंगे, हानि विरुचि के रूप में भी नहीं कहेंगे, इसको निकाल के भी आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से तर्कणा का अंतिम सोपान कौन सा है? अब ये सब प्रश्न बड़े आसान होते हैं। तर्कणा का अंतिम सोपान, रीजनिंग का अंतिम सोपान, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप करते हैं तैयारी, प्रिपरेशन करते हैं।
प्रिपरेशन के बाद में आप कर कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रकल्पना जो होती है उसको देखते हैं, और उसके बाद में आप निगमन करते हैं, है ना। ये इनकॉर्पोरेशन शब्द इसके लिए सही नहीं है, है ना। फिर आप इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, ठीक है, निगमन करते हैं, और निगमन के बाद में आपका सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है सबसे लास्ट में, सही है। तो सबसे पहले होगा डी, डी के बाद में ए, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, तो ये सी ऑप्शन सत्यापन अंतिम पूछा जा रहा है, तो अंतिम सोपान सत्यापन सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन समीचीन क्रम है, है ना, जो सही ऑर्डर है, सीक्वेंस है, उसको बताना है। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले आप विश्वास करते हैं कि सबसे पहले सुनते हैं, और सुनते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, किसी चीज को आपने सुना किसी भी चीज के बारे में, जैसे कहा गया पेपर टल गया, कितने लोग तो कितने खुश हो गए होंगे, क्या सही में टल गया। तैयारी एक ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती, और कभी ना पूरी होने वाली चीज को ही तैयारी कहते हैं, ऐसे कहिए तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो सबसे पहले आप सुनते हैं, फिर सोचते हैं क्या वास्तव में ऐसा हुआ, फिर आप विश्वास करते हैं, फिर उसी के मुताबिक कार्य करते हैं। तो सुनना, सोचना, विश्वास करना और कार्य करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही सही सीक्वेंस है। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है, जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था, यानी डेविएशन इन द रिसीव्ड मैसेज, जो प्राप्त संदेश है उसमें कोई विचलन है जिसको पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता, ठीक है, अब इसको गुणारोपित करेंगे वो क्या होगा, तो वो कोलाहल पर, है ना, कोलाहल पर ये गुणारोपित होगी, कोलाहल पर गुणारोपित, इस कारण से आप नहीं समझ पाए इस तरीके से, आप कोलाहल से इसको रिलेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, कौन सा कौशल है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, आपसे उसकी घनिष्ठता है, या आपका कोई मित्र है, लंगोटिया यार है, दोस्ती कैसे चलती है, एक दूसरे की हेल्प करने से, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर जब आप सहायता करते हैं, है ना, वॉलंटरी असिस्टेंस व्हेन नेसेसरी, अब जब भी आप जरूरत पड़े तभी आप गायब हैं, तो कैसे हो पाएगा, बस खाली बर्थडे में केक खाने के लिए हैं आप, या वहां चौराहे पे जाके आप, मतलब विभिन्न चौराहे, फुहारा चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा और वत्रा, है ना, या यहाँ पे पुरनिया चौराहा लखनऊ में, आप बस जाके समोसा खा लीजिए, चाय पी लीजिए, है ना, कभी कभी वो जॉइंट भी मारते हैं लोग, सुट्टा मारते हैं, वो सब कर लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, कोई भारी ड्रिंक पी लीजिए, जो भी है आपका, भाई इसीलिए ऐसा नहीं, स्वैच्छिक रूप से जब आवश्यकता पड़े तब सहायता भी करेंगे, तो निकट मित्रता बनाए रखने में ये सहायक होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन इन ए सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, सीनियर और जूनियर के बीच में वैयक्तिक सूचना का आदान प्रदान, प्रकटन आप कहिए, आदान प्रदान नहीं गई है, डिस्क्लोजर प्रकटन क्या कहलाता है, तो इसको खुलापन कहते हैं, ओपननेस कहते हैं, वैसे तो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, लेकिन इसको खुलापन कहते हैं, खुले हुए हैं एक दूसरे के बीच में। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए, शाब्दिक का इधर वो दिए हुए हैं, एक जैसे शाब्दिक, लिखित, संकेत, दैहिक हाव भाव, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये इनको सुमेलित करना है, कौन से कारक है। तो शाब्दिक जो है, शाब्दिक क्या हो जाएगा, भाषा प्रवाहिता, तो ए का टू हो जाएगा, लिखित में आप संज्ञानात्मक क्षमता कर लीजिए, बी का फोर, संकेत में आप सामाजिक सांस्कृतिक को ले लीजिए, सी का वन, और दैहिक हाव भाव में आप अंतर्निहित अर्थ को ले लीजिए, तो बी का थ्री, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रतिमान आप देखिए, कौन सा प्रतिमान जिसमें समानता संबंध संपोषित होता है, है ना, इक्वालिटी रिलेशनशिप होती है, लेकिन ईच पर्सन आल्सो हैज अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि समानता संबंध है तो अब किसी के पास कोई प्राधिकार नहीं रह गया, अथॉरिटी भी उसके पास है, तो वो क्या है, तो इसमें संतुलित विभाजन प्रतिमान होता है, बैलेंस्ड डिवीजन मॉडल होता है, जिसमें समानता संबंध भी है और अपनी अपनी अथॉरिटी भी है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारियों एवं स्तरों से परे जाता है वह है,
Communication is an organization that goes beyond function and level. Is क्या है वो, कैसा संप्रेषण है जो प्रकारियों और स्तरों से परे चला जाता है, तो इसको हम अनुप्रस्थ ट्रांसफर कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना, ट्रांसवर्स कम्युनिकेशन अनुप्रस्थ संप्रेषण इसको कहते हैं। और अनुप्रस्थ संप्रेषण जैसे कार्यात्मक प्रभाग जो बहुत सारे हैं उनमें जो जो भी वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स जो है उनके बीच में ये आप कह सकते हैं संप्रेषण को इंगित करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को ये बताता है। संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है क्या, शर्मीलापन, सांवेगिक परिपक्वता, दृढ़ता परकता और तदनुभूति क्या करता है। संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कैसे होगी, जैसे कोई आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं और आप में साइनेस है, आप उसको बता ही नहीं सकते हैं, शर्मीलापन है, आप शर्मा रहे हैं। अगर आप परिपक्व है, इमोशनली मेच्योरिटी है आप में, इमोशनली मेच्योर है तो ये सही है ना, टेनिसिटी दृढ़ता परक ये भी सही है, करेस्पॉन्डिंग ये भी सही है, लेकिन शर्मीलापन सही नहीं है तो ये समस्या उत्पन्न करेगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को देख के घबराइए नहीं, आपको इसमें मेरिट नहीं बनानी है, इसके तीन चार एपिसोड जब अब और हम कर लेंगे और उसके बाद में आप जब इन चीजों को जो समझ रहे हैं ना, जैसे डायरेक्ट आप पढ़ते हैं हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा हो, तो इसको देखिए जरूर, एक बार दो बार देख लीजिए और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हिंदी के 15 क्वेश्चन में से आप 10 तो कर ही सकते हैं, इंग्लिश में भी आप जो 10-15 पूछे जाएंगे उसमें से भी 7-8 करेंगे, मैथ्स रीजनिंग कितनी भी कमजोर होगी 10 तो कर ही देंगे मिला जुला के, 10 यहां से भी कर लीजिएगा 40 क्रॉस कर जाएगा, है ना। लेकिन पढ़ के जाइए, डिसाइड को पेपर को हल्के में मत लीजिए। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में बेमेल पद ज्ञात कीजिए, कौन सा बेमेल है, एक्सेस यानी पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स और व्यवहार का अर्थ, ये सब देखो तीनों एक तरीके के लग रहे हैं, है ना। एडविन बी फिलिम्पो एक थे, उन्होंने संचार और संप्रेषण के बारे में बात बताई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचार, सूचना, संदेश, सुझाव इनका आदान प्रदान होता है, लेकिन व्यवहार इसमें कोई मतलब नहीं, इसका तो आदान प्रदान नहीं, संप्रेषण में व्यवहार कहां से आएगा, वो अलग चीज है, है ना। उसके बाद व्यवहार निर्मित होगा, कैसा संप्रेषण होगा उसके बाद, है ना। अगर संप्रेषण वैसा होगा तो चटकनम मुखभंजनम, लात घुसा दही धड़म, वो वाला हो जाएगा, अब बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, वो बात है ना। तो खैर ये समझाने का एक वो है। अगला जो प्रश्न है और ये आज के इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न हम बना रहे हैं, फिर अगले एपिसोड में हम चलेंगे, फिर बाद में मर्ज करके मैं आपको इसको दे दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, छोटी छोटी गुट्टियां लेते रहिए, बाल जीवन गुट्टी है ये। अंतः वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र, नीति शास्त्र क्या करता है, एथिक्स इन पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें एथिक्स का ध्यान आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध क्यों बढ़ाएगा और बाधा क्यों उत्पन्न करेगा, विचारने योग्य नहीं है, इथिक्स है भैया, इथिक्स आपके सिलेबस में है, फोर्थ पेपर, अगर विचारने योग्य ना होता तो, विचारने योग्य है, वर्थ है इसका, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल वर्थफुल है ये, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप 6307281212 पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, बाकी आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप ओपन करिए, वहां पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना आरओ आरओ और इसकी यूपीपीसीएस की तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर।